क्या कर रही हो तुम? छोड़ो हमें, अरे छोड़ो। ये कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये तो माँ जी के कंगन है ना, जो हमने उन्हें लौटा दिए थे। फिर इसे तूने कैसे पहने? इसे खोलो पल्लू, ये हमारे कंगन है। माँ जी, ये तो वही खानदानी कंगन है ना, जो हमने आपको वापस लौटा दिए थे। फिर ये पल्लू पहनकर काहे घूम रही है? बिंदिया, फिर ये कंगन ना माँ ने भी तुम्हें वापस लौटा दिए थे। हाँ, क्या है कि तुम्हें याद नहीं है। पर कृष्णा जी, पल्लू ने इन्हें काहे पहन के रखा है? कबड़। क्या है ना बिंदिया, तुमने ये कंगन कबड़ में रख दिए होंगे और पायल ने वहीं से निकाल के पहन लिए होंगे, है ना पायल? कबड़ में हमने, पर हमको तो कुछ याद नहीं आ रहा है। पर पल्लू, तू ये कंगन कैसे पहन सकती है? ये कोई आम कंगन नहीं है, ये खानदान की निशानी है, माँ जी की धरोहर है। चल अब इसे वापस कर दे। पल्लू उतार। बिंदी छोड़। अरे उतार ना। नमामि सामि सान निर्वाण रूपम वेदापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं। पल्लू, हमें उतारने दो कंगन। अब तो ठीक है बिंदिया, अब चलो चलकर आराम कर। आओ। एक मिनट कृष्णा जी। हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए कृष्णा जी। कौन से सवाल? वही कृष्णा जी जो हम कब से आपसे पूछ रहे हैं, पर कोई हमें जवाब ही नहीं दे रहे। पल्लू की शादी कब हुई, इसके पति कहाँ है, और अगर हुई भी तो हम कहाँ थे, और हम थे तो हमें याद कहे नहीं आ रहा कृष्णा जी। कृष्णा जी, हमको कुछ याद कहीं नहीं आ रहा है। पल्लू की शादी कब हुई? पल्लू की शादी हुई तो? देखिए कृष्णा जी, हमको अब बहुत घबराहट हो रही है, हमको कहा हुआ है बताइए ना कृष्णा जी। बिंदिया, बिंदिया शांत हो जाओ, यहाँ बैठो। हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बिंदिया घबराओ मत, हम है ना तुम्हारे साथ। कृष्णा जी कैसे ना घबराए, हमको अलट पलट चलट करके भी कुछ याद नहीं आ रहा। पल्लू, अच्छा पल्लू, तूने उसी लड़की से शादी की है ना जिससे तू प्यार करती थी, या फिर किसी और से? हमने उसी से शादी की है जिससे हम प्यार करते थे। हाँ बिंदिया,
पायल ने शादी उसी से की जिससे वो प्यार करती थी। वो क्या है ना कि पायल के पति काम के सिलसिले से शहर से बाहर गए हैं, इसलिए पायल तुम्हारे पास आ गए। इनफैक्ट हम दोनों ही पायल को यहां लेकर के आए। हम दोनों? शायद तुम भूल गई। पल्लू को हम लेकर आए थे? हाँ। अच्छा पल्लू, जीजा जी कब आएंगे? जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे, फिर पायल भी यहां से चली जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक पति पत्नी को साथ ही रहना चाहिए, है ना कृष्णा जी? अच्छा पल्लू, अब हमको जीजा जी का फोटो दिखाओ ना। बिंदिया, पायल ने अभी भी नया फोन लिया है, तो अभी सारा डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है, और कहां तुम भी फोटो के पीछे पड़ गई हो। चलो आराम कर लो, आ जाओ। कृष्णा जी, हम सवाल पल्लू से कर रहे पर जवाब आपका ही दे रहे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बिंदिया, तो पायल भी बहुत परेशान हो गई है। पर कृष्णा जी, हमको कुछ याद का ही नहीं आ रहा। इसीलिए कहते हैं आराम कर लोगी तो फ्रेश फील करोगी। दो पल हुए नहीं हमें उस कमरे में गए हुए कि हमें वापस लौटना पड़ा। कभी कभी तो हमें लगता है कि हम ना तुम्हारी लाइफ में किराएदार बन के रह जाएंगे। क्या हो गया है तुम्हें पायल? अरे तुम्हें क्या हो गया है कृष्ण? तुम्हें समझ की नहीं आता, वो बिंदी नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। लो, फिर से वही बात। कृष्ण तुम ही सोचो, वो सब कुछ भूल गए लेकिन उसे कंगन बहुत अच्छे से याद है। हम कह रहे हैं वो एक नंबर की ना झूठी है, ये सब उसकी प्लानिंग है इस घर में रहने के लिए। हमें समझ में नहीं आता पायल कि तुम्हारे मन में ये प्लानिंग प्लॉटिंग जैसे नेगेटिव ख्याल आते भी कैसे है। देखो कृष्ण, हमें ना खुद नहीं समझ में आ रहा कि हमारे दिमाग में ये नेगेटिव ख्याल क्यों आ रहे हैं। शायद हमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब होते हैं। इसीलिए तो कहते रहते हैं हम पायल कि मत लिया करो बेकार का स्ट्रेस। कैसे ना ले स्ट्रेस कृष्ण, बताओ कैसे ना ले। समय बीत रहा है, इस टाइम पे हमें और तुम्हारे बच्चे को ना तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमें तुमसे और तुम्हारे कमरे से दूर जाना पड़ा और तुम बोलो कि स्ट्रेस ना ले। पायल, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे उस बिंदिया की याददाश्त वापस आ जाएगी फिर हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रख लो प्लीज। वैसे भी हमें ना तुम्हारे ये आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? क्योंकि आज हंसने मुस्कुराने के दिन है, दिवाली है यार, आ जाओ। ये लो बेटा, गोंद के लड्डू, गर्भवती औरतों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। थैंक यू, आप रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। चलो इधर आओ, यहां बैठो। बाद में क्यों? अरे अभी खाओ ना बेटा, तुम खाओगी ना तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा और उसकी दादी को भी। क्या हुआ पायल, इतनी उदास क्यों हो बेटा? बेटा ऐसी हालत में जरा भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, तुम जो भी महसूस करोगी ना बच्चा भी वही महसूस करेगा। तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा उदास रहे, तो फिर मुस्कुराओ। कैसे मुस्कुराए मम्मी जी, आप ही बताइए हम कैसे मुस्कुराए। जिस भी चीज पर हमारा हक होता है ना, वो बिंदी हमेशा हमसे वो हक छीन लेती है। याद है हमें बाबा की साइकिल या फिर माँ की जी,
दादी की गोद हो या मास्टर जी की शाबाशी, सब पर कब्जा जमा लेती थी बिंदिया, और हम देखते रह जाते थे। आप ही बताइए ना, आपके कंगन हो या फिर कृष्ण का कमरा, छीन लिया ना उस बिंदी ने हमसे। हमने सोचा था कि ये दिवाली ना हमारे लिए बहुत स्पेशल होगी, हमारे अपनी बच्चे के साथ पहली दिवाली की खुशी होगी, हमारी खुशियां भी छीन ली उस बिंदी ने हमसे। पायल, वो तुमसे कुछ नहीं छीन पाएगी, ना तुम्हारा हक ना तुम्हारी खुशी। अब चलो उधर घूमो। मम्मी जी, ये सब क्यों? इस सेट पे सिर्फ तुम्हारा हक है। कहा था ना हमने कि जो बहू हमारे खानदान को वारिस देगी, ये हाथ उसी को मिलेगा। हमें हार नहीं, हमें आपका सिर्फ प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच, हमेशा हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। और हम ना ये हार आपका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेंगे और बहुत संभाल के भी रखेंगे। तो सुनो, बच्चे को खुश रखना, नहीं तो उसकी दादी नाराज हो जाएगी तुमसे। करती है तू कंगन की वसूली हार से? कोई नहीं बच पाया तेरे झूठ के वार से। अभी तो बस ये हार मुट्ठी में आया है, बहुत जल्दी सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। This is me, साक्षी शुक्ला, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और हाँ, आज आपको पटाखे नहीं सिर्फ दिए जलाने हैं, और कंट्री को नॉइज और एयर पॉल्यूशन से बचाना है। ओके गाइस, साक्षी ये देखो इतने सारे पटाखे, चलो ना साथ में जलाते हैं। विक्रम, तुमने मेरी सारी वीडियो खराब कर दी। अरे अब हमने क्या किया यार? यही तो प्रॉब्लम है कि तुम कुछ करते ही नहीं हो। अरे तुम भी ना। जीजू चलो यार पटाखे जलाने हैं। दो मिनट। प्रणाम बाबू जी, हैप्पी दिवाली। माफ करेगा, इस बार आप लोगों को दिवाली अकेले मनानी पड़ रही है। अरे मैं तो आने ही वाला था, लेकिन कुछ ऐसा काम पड़ गया कि मैं आ नहीं पाया। निधि बहुत अच्छी है, आप लोगों को बहुत याद करती है। अरे वो तो क्या झूठ बोल रहे हो हमारे बारे में? अरे लेकिन तुम ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। निधि हैप्पी दिवाली मॉम। हाँ मॉम, कर दूंगी सबको विश, डोंट वरी। मॉम मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। पायल, तुम ये हार पहनकर क्यों घूम रही हो? अरे भाभी, मम्मी जी ने इतने प्यार से ये हार दिए, तो पहनना तो पड़ेगा ना, वरना वो बुरा मान जाती। हमने तो ना बहुत मना किया था उन्हें कि हमें ये हार नहीं चाहिए, लेकिन वो मानी नहीं, कहने लगी कि इस हार पे ना सिर्फ तुम्हारा हक है पायल। अब हम भी तो इस घर को वारिस देने वाले हैं ना, इसलिए। वैसे अब कैसा लग रहा है यार? अच्छा लग रहा है ना? मैंने मांगा था मम्मी जी से यार, लेकिन मम्मी जी ने इस पायल को दे दिया। हैप्पी दिवाली बिंदी। तुमको भी। अच्छा ये देख, मेरा हार कैसा लग रहा है?
ये तो बहुत अच्छा है, और तू भी बहुत सुंदर लग रही है। तुझे पता है कि हार ना हमें हमारी सासू माने दी है, बहुत प्यार करती है हमसे। तुम जैसी प्यारी बहू जिस सास की हो, उसे सास क्यों ना प्यार करे। और फिर तुमने भी तो कुछ ऐसा दिया होगा ना, जिसकी वजह से तुम्हारी सास तुम पे प्यार उपहार दोनों निछावर कर रही है। जैसे हमारी बहू बिंदिया ने हमारी खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। आ जाओ भाई सब लोग, हमें दिवाली का शगुन देना है सबको। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये लो। अरे क्या हुआ जी, इंग्लिश बन गई हो? चलो आशीर्वाद लो। खुश रहो, खुश रहो बेटा, शाबाश। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। लो बेटा। पायल इधर आओ। अरे अरे बस 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 बेटा, खुश रहो। ये लो। इसकी क्या जरूरत? बेटा शगुन जरूरत के हिसाब से नहीं दिए जाते हैं, बल्कि प्यार और आशीर्वाद के रूप में दिए जाते हैं। रख लो। घर की बड़ी बहू को कागज के टुकड़े और वो चलाक लोमड़ी पायल, वो ठीक से घर की आधी बहू भी नहीं है। उसको उसको कीमती हीरो का हार। आज ना मम्मी जी ने अन्याय के लिए मैं क्रॉस कर दिए विक्रम। साक्षी, न्याय अन्याय को मारो गोली। फिलहाल तुम लिफाफे पे कॉन्सेंट्रेट करो। साक्षी भाभी एक मिनट रुके ना। कृष्णा जी आपका फोन दीजिए ना। पल्लू हम सबकी एक फोटो ले देना। वो क्या कहते हैं, फैमिली फोटोग्राफ। जी बाबूजी, लो। मेमोरी लॉस का बहाना करके बहुत मुस्कुरा रही है ना तू, तो तेरी इस मुस्कुराहट को छीन के अपनी जूती तले कुचल ना देना तो हमारा नाम भी पायल नहीं। चलो मम्मी। नहीं बाबू, हम नहीं जलाएंगे अनार। क्यों? अरे हम बच्चे हो रहे हैं। कौन सी किताब में लिखा है कि बड़े अनार नहीं जलाते? आओ देखो, चलो आओ। एक नंबर का जिद्दी है। हाँ है जिद्दी, जिद्दी मम्मी का जिद्दी बाबू। पकड़ो 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 पकड़ो, चलो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। हैप्पी दिवाली बेटा। सेम टू यू। बाबू इधर है। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और नए जीवन की शुरुआत पर खूब सारा प्यार और आशीर्वाद।